नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिमाग तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकता पर उठाए सवाल, कहा सिर्फ विपक्ष की एकता और नेता चुने जाने से नहीं चलेगा काम, सबको मिलकर करना होगा एजेंडा तय। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को ज्ञापन देकर झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप की सदस्यता रद्द करने की मांग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में महागठबंधन में विवाद को लेकर भाजपा की ओर से फैलाया जा रहा है भ्रम। और एसएसपी मनु महाराज, डीएसपी चंदन कुशवाहा और पंकज राज को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में वीडियो खेलने के मामले पर किया कारण बताओ नोटिस जारी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक बार फिर विपक्ष की एकता पर सवाल उठाए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ विपक्ष की एकता और नेता चुनने से ही काम नहीं चलेगा, उन्होंने कहा कि सबको मिलकर एजेंडा भी तय करना होगा। सोमवार को आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में महागठबंधन को कोई भी खतरा नहीं है। जीएसटी के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर तो यूपीए के समय से ही काम हो रहा है और हम पहले से ही जीएसटी के हिमायती रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में महागठबंधन में विवाद को लेकर भाजपा की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। सोमवार को राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से महागठबंधन का स्वरूप बिहार में तैयार किया गया था उसे राज्य की जनता ने अपना समर्थन दिया। जनभावना का ख्याल करते हुए महागठबंधन की सरकार विकास कार्यों में लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि सुशील मोदी जी को बिहार में कोई काम रह नहीं गया है। घूम फिर के उनको पर उनके सामने एक ही मुद्दा है, वो है लालू यादव उनका परिवार। विपक्ष का ये काम नहीं है, ये काम अदालत का है, ये काम में सीबीआई का है, ये काम में जो दूसरी एजेंसियां हैं वो देखेंगी कि कितना उसमें गलत है सही है। वही पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत के चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त नसीम ज्यादी को ज्ञापन देकर 2015 के विधानसभा के चुनाव में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा झूठा शपथ पत्र दिए जाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि गलत शपथ पत्र दाखिल करना केवल एक आपराधिक कृत्य ही नहीं बल्कि भ्रष्ट आचरण भी है। इसके आरोप में चुनाव आयोग संविधान की धारा 324 के तहत अपनी असीमित शक्तियों का उपयोग करते हुए तेज प्रताप यादव की सदस्यता को जल्द से जल्द रद्द कर दें। सारे सबूत दिए हैं, जो जमीन के खरीद के दस्तावेज हैं उसमें लगाया है, उनके चुनावी एफिडेविट को लगाया है और चुनाव आयोग से मांग किया है कि यह आपराधिक मामला बनता है और इसलिए जहां एक और सेक्शन 125A जो आरपी एक्ट है उसके तहत उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर्स, कई सारे जजमेंट्स, उन सारी कॉपी को लगाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। वही बिहार बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष बबन कुशवाहा और बीजेपी नेता सुहेली मेहता जेडीयू में शामिल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और सांसद सीपी सिंह ने उन्हें यह सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जेडीयू बिहार में ऐसे राजनीतिक दल के तौर पर काम करना चाहती है जो दूसरे दलों से अलग हो। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार नेता ही नहीं बल्कि राजनेता के तौर पर काम करते हैं। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में मीटिंग के दौरान मोबाइल पर गेम खेलने के मामले में कई आईपीएस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें पटना एसएसपी मनु महाराज, डीएसपी चंदन कुशवाहा और पंकज राय से ये जवाब तलब किया गया है। इसके साथ ही उनसे अविलंब जवाब भी मांगा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। ये परीक्षा 13 जुलाई तक चलेगी। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पूरे प्रदेश में कुल 275 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कदाचार माहौल में छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में लगभग 1,33,000 और विशेष परीक्षा के लिए लगभग 1,700 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा आगामी 5 जुलाई को केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा में शामिल होंगे। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं को एक नया उत्साह मिलेगा। आपको बता दें कि 5 जुलाई
और राज्य भर के लगभग 7,000 से ज़्यादा हमारे समर्थक कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा के उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल होंगे। बिहार में पहली बार इंडिया के नंबर 1 वारमोरा गैलेक्सी टाइल्स का एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ किया गया, जहां ग्राहकों को देखते हुए एक ही छत के नीचे सभी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वारमोरा गैलेक्सी के गोपाल कृष्ण मार्बल के फाउंडर स्नेहलता गुप्ता और गोपाल कृष्ण जी ने कहा कि पिछले 19 सालों से हम वारमोरा की बिजनेस कर रहे हैं, हमारे सभी प्रोडक्ट्स ISI अप्रूव्ड रहते हैं। शोरूम के ओपनिंग की बधाई देते हुए राजू दत्रोजा ने कहा कि गोपाल कृष्ण मार्बल से आप सभी बिहारवासी वारमोरा गैलेक्सी के हर प्रोडक्ट्स उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। शोरूम हमारा बिहार के अंदर में पिछले 10 सालों का कस्टमर्स का जो प्यार और उत्साह वारमोरा को मिला है, उसके बाद ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्वरूप बन गया था कि हम अपने सारे प्रोडक्ट्स की रेंज किसी एक जगह पर डिस्प्ले कर सकें, और वो भी एक ऐसे समय पर हो रहा है जब GST लागू हुआ है। GST लागू होने का बिहार को जैसे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, वैसे ही हम लोगों को भी, वारमोरा टाइल्स कंपनी को भी इसके अंदर में बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है। बगहा अनुमंडल में पढ़ने वाले सभी विकास मित्रों की बैठक बगहा एक प्रखंड कार्यालय में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य महादलित विकास मिशन से प्राप्त CVZ का वितरण करना था। प्रखंड विकास पदाधिकारी बगहा के एक आनंद कुमार विभूति ने सिम के वितरण के दौरान विकास मित्रों को संबोधित करते हुए निर्देश दिया कि विभाग के द्वारा दिए गए सभी कार्यों का निष्पादन निष्ठापूर्वक और समय से किया करें। उन्होंने ये भी बताया कि महादलित विकास मिशन द्वारा चल रही सभी योजनाओं का समुचित लाभ महादलित समुदाय को मिल रहा है कि नहीं, इससे संबंधित एक विकास पंजी तैयार कर 15 अगस्त तक जिला को प्रतिवेदित किया जाए। सभी विकास मित्रों के बीच वितरण किया गया। वही सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव में एक पारिवारिक कलह के कारण 26 वर्ष की युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने आनन फानन में युवती को सिवान सदर अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि इसी दौरान कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद मामला काफी आगे बढ़ गया और लड़की ने खाना छोड़ रूम में जाकर जहरीली पदार्थ खा ली, जिसके बाद लड़की का हालत काफी सीरियस हो गया। उसके तुरंत बाद परिवार के ही कुछ सदस्यों ने फानन में इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल युवती खतरे से बाहर बताई जा रही है। खाना के लिए कौन खाना खाते? खाना मैंने बना लो तनी जहर हो गया खाना, हल्दी दिया दे, उसी लिए बाप बोल लिए, उसी लिए भाई मार, बस भाई मार दिया, इसीलिए उधर खाइए। हाँ, और कुछ नहीं। क्या नाम है उनका? किसका? उनका नूर तारा। आपका क्या नाम है? हमारा रोशन तारा। क्या है आप? उधर कोइलवर राज्य सरकार द्वारा राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के दावे लगातार फेल साबित हो रहे हैं। जब दूसरी बार सोमवार को फिर से बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आरा पटना मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। सड़क जाम कोइलवर थाना क्षेत्र के कायम नगर के पास बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ गुस्साए लोगों ने आरा पटना मुख्य मार्ग को जाम कर आवागमन भी बाधित कर दिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने आगजनी भी की। कैमनगर ग्रामीणों के द्वारा जो सड़क जाम किया गया था, जी सर, उसका कोई वजह नहीं था। 8 दिन पहले भी जाम किया गया था, जिस पर विद्युत विभाग के अभियंता के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इनकी जो मांगे हैं वो उसको हम 7-8 दिनों में दूर कर देंगे, और उन्होंने दूर भी कर दिया। जो आकर के उनके द्वारा ग्रामीणों को बताया गया, फिर भी ग्रामीणों के द्वारा बाध्य मतलब मजबूर कर दिया गया प्रशासन को, तो जाम हम रिक्वेस्ट किया करने के उपरांत वो जाम नहीं हटा रहे। थोड़ा सा प्रशासन का जो कार्य था करते हुए हल्का सख्ती बरतते हुए जाम को हटा दिया। एक बार फिर भोजपुर दहल गया है। अपराधियों ने तबाड़तोड़ फायरिंग कर करोड़ों की जमीन के मालिक स्वर्गीय राम खेरावन सिंह के बेटे को छलनी कर दिया, जिसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हथियारों ने दिनदहाड़े नगर थाना क्षेत्र के मॉडल स्कूल पड़ाव के पीछे इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने एक दो नहीं बल्कि लगभग 25 राउंड गोलियां चलाई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जानकारी के अनुसार 5 की संख्या में रहे मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने खुलेआम गोली मारकर उनकी हत्या की और वारदात को अंजाम देकर वहां
से फरार हो गए। अगर बात करें सूत्रों की तो घटनास्थल पर गोलियों की तड़तड़ाहट से ऐसा लगा कि अपराधी पूरी तैयारी से आए थे। घटना से यह भी पता चल रहा है कि अपराधियों की नीयत साफ थी और सिर्फ हत्या करने की मंशा से ही वहां आए थे। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह करीब 11 बजे रोज की तरह झोले में जरूरी कागजात लेकर स्वर्गीय राम खेलावन सिंह के पुत्र कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कुमार जी अपने घर जा रहे थे। किसी बीच नगर थाना क्षेत्र के पड़ाव के समीप पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने एक एक कर करीब 25 राउंड गोलियां चलाई और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। वहीं गोली लगते ही घटनास्थल पर ही कुमार जी ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है और स्थानीय वासियों में डर व्याप्त है। बात नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के पूना गांव की, जहां दो लोगों की मौत के मामले के बाद डीएम डॉक्टर त्याज राजन, एसएम और एसपी कुमार आशीष ने मामले की गंभीरता से जांच की। इस दौरान मृतक दोनों की पत्नी से भी पूछताछ की गई और आरोपी सत्येंद्र कुमार के घर भी जांच की गई, जिस दौरान किराना दुकान से कई दवा भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि पूना गांव में तीन लोगों की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक का इलाज निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया और वहां उनका इलाज जारी है। उधर गांव के लोगों का कहना है कि गांव में एक लिक्विड से शराब बनाकर बिक्री की जा रही है। वहीं लिक्विड पानी के साथ सत्येंद्र के घर पीने से दोनों लोगों की मौत हुई है। हालांकि दोनों की मौत के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। इधर डीएम ने कहा है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि दारू पीने से नहीं मरी है। पुलिस बिल्कुल झूठ बात बता रही है। गांव वाले कुछ महिलाएं भी कह रही है कि नहीं, दारू नहीं पिए हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन लोग हैं जो कि गलत थे, अफवाह थे, खाली कर रहा है। वास्तविक में दारू बिकता है। तो मृतक के परिजन अभी इनकार कर रहे हैं कि दारू नहीं पिया, जबकि पहले बोले कि पिया जा रहा है। तो उसका भुगत होगी तो वही ना भोगेंगे, और आने वाला पीढ़ी के लोग भुगतान भोगवाएंगे। तो क्या लगता है, प्रशासन की तरफ से दबाव भी दिया गया क्या? ऐसा तो है कि हम इसके पहले भी पढ़ने वाला लोग है जो कि थाना में अति दिया था, आवेदन दिया था। यहाँ दारू बिकता है नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार कोई आना कानी नहीं किया। अच्छा, कितना लोग मरा है दारू पीने से? दारू पी करके अभी यहाँ दो को मरा है। तो दो आदमी मर गया अपने दारू के नाम पर, अपने स्पिरिट ले आके अपने बना करके पी लिया, भोजन तैयार हो गया। मतलब कि एक बूंद देवे के यहाँ पाँच बूंद दे दिया कि नशा आवेगा हमको। तो नशा का दवाई खाने के लिए? हाँ, नशा की दवाई खाने के लिए, नशा करने के लिए ऐसा कर दिया। खाली दवाई खाने के लिए मना, यहाँ अथी से कोई अथी से दारू मीठा से और अथी से महुआ से नहीं बनाया गया। तो क्या चीज़ से दारू बनाया गया? वो स्पिरिट से कुछ कुछ से बनता है। तो यहाँ पे शीशे ला करके अपने ला के पिया है। तो कौन लोग पिया, कितने लोग पिए थे? पिया था तीन लोग, तीनों के तीनों बीमार है। दो तो मर गया, एक बच रहा है। उधर नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के बौलीपार इलाके में परशुराम नारायण गुप्ता के घर हथियारबंद डकैतों ने घर में घुसकर करीब 5 लाख रुपए की जेवरात सहित अन्य सामान लेकर भाग निकलने में कामयाब रहे। पेशे से परशुराम चाय व्यवसायी बताया जा रहे। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि जब हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए थे कि तभी अचानक 8 की संख्या में आए हथियारबंद डकैतों ने घर में सभी को बंधक बनाकर मारपीट किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगे। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की में जुट गई है। आपने वही लूट के ले गया, 9 लाख के जेवर ले गया, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये नगदा था। मार पीट किए, खबरें खाली मारे, बाल बच्चा के नहीं छुआ, तो बसिया के ले जा रहा था उधर, तो कैसे इज्जत बच गया। कितना लोग था? वो लोग 7-8 आदमी था। सब हथियार लेते? सब कुल हथियार से ले। मारपीट किया गया? परशुराम नारायण गुप्ता के घर में अपराधी 6-7 के संख्या में घुस गए, दीवार फान करके ग्रिल से, और अंदर जा करके लोगों को मारपीट करके और बंधक बना लिए और घर के सारे सामान को खंगाल करके और बक्सा से उनकी बच्ची की 1 साल पहले शादी हुई थी और शादी में जो जेवर मिला हुआ था वो जेवर सब लेके और वो भाग गया। हथियार और वो सारे अपराधी हथियार लैस थे, पिस्टल लिए हुए थे और बच्ची को सटा दिया कि अगर तुम हल्ला करोगी तो तुमको जान से मार देंगे। सर कितना का आंकड़ा हुआ टोटल?
बिहार में शराबबंदी लागू किए जाने के बाद शराब का अवैध कारोबार करने वाले धंधेबाजों का हवाला कनेक्शन सामने आया है। वैशाली जिले में एनएच 77 पर सराय के निकट शराब से भरी कंटेनर के साथ पुलिस ने 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए धंधेबाजों के पास से पुलिस ने 8 लाख नकद भी बरामद किया है। शराब के कंटेनर के साथ एक फॉर्च्यूनर कार के साथ एक ऑल्टो कार भी जब्त किया गया है। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात जो सामने आई है वो शराब कारोबारियों का हवाला कनेक्शन। गिरफ्तार आरोपी के पास से जो कागजात बरामद हुए उससे खुलासा हुआ है कि बिहार में शराब लाने के लिए हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया जाता है। पुलिस अब हवाला के तार को खंगालने में जुट गई है। एक्चुअली जो इनकी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, उससे कुछ पर्चे भी बरामद हुए हैं। उस पर्चों में एक हिसाब का भी पर्चा है जिसमें इनके द्वारा कैलकुलेशन किया गया है कि पिछले 7-8 बार इनके द्वारा कुल कितने पेटी माल लाया गया, उसका पेमेंट कैसे किया गया। तो जो मोड ऑफ पेमेंट है उसमें दो ही रूप से दर्शाया गया है। पहला मोड इसमें नकद के रूप में है और दूसरा मोड इसमें हवाला के रूप में है। इन्होंने कुछ पैसा हवाला के थ्रू उनको पेमेंट किया है, कुछ नगद के रूप में पेमेंट किया, जैसा कि इस पर्चे में उनके द्वारा ब्यूरो में लिखा गया है। इस संबंध में अभी हम लोग उनसे और पूछताछ कर रहे हैं कि हवाला में जो पैसा हवाला के थ्रू दिया गया उसका कौन सा एजेंट था और कहां से उस पैसा किसको पहुँचाया गया। अररिया में एक पार्क तो है लेकिन उसमें बच्चों के खेलने का सामान नहीं है। इन दिनों स्कूलों की छुट्टियां चल रही है लेकिन बावजूद उसके छुट्टी में बच्चे जाएं तो कहां जाएं। इन दिनों बच्चों का मनोरंजन सर्कस कह रहा है। सर्कस शब्द सुनते ही आदमी के दिमाग में जानवर के कर्तव्य को याद किया जाता है। कुछ लोग सर्कस सुनते ही लोग अपने जमाने में खो जाते हैं। इन दिनों अररिया में सर्कस चल रहा है लेकिन जानवर ना होने की भीड़ जुटाने में सर्कस मालिक के पसीने छूट रहे हैं। जब हमारे संवाददाता रविराज ने सर्कस के मैनेजर से बात की तो उन्होंने पहले कहा कि अब ऐसा ये सर्कस नहीं रहा। आज की पीढ़ी सर्कस को मूल नहीं दे रही है। आज आमदनी के अभाव में कई सर्कस बंद हो गए। हम लोग सर्कस तो चला रहे हैं लेकिन आज की पीढ़ी सर्कस को भूल गई है। आज सर्कस में केवल कलाकार की कला के द्वारा मनोरंजन ही शेष रह गया है। अब तो सरकार ने जानवर पे प्रतिबंध लगा दिया है तो अब मतलब उतना कोई खास ये नहीं है, मगर अभी अररिया में आया है। अच्छा ही ठीक ही चल रहा लगभग। एक पहले का दौर हुआ करता था सर्कस में कि जो काफ़ी भीड़ भाड़ मिलता था और अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्स वगैरह कैसा क्या मिला था तो उस टाइम जो है जब लाइन टाइगर था, हाथी था, भालू था तो काफ़ी भीड़ भाड़ होता था। अब जो है जब लाइन टाइगर भालू ये सब में जो है सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तो अब तो 40% बिजनेस रह गया, 60% डाउन हो गया। केंद्र की मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार की 3 साल से देश बदहाल हो गया है। बेतिया के कांग्रेस विधायक मदन मोहन तिवारी ने पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मोदी सरकार की 3 साल की विफलताओं और वादा खिलाफी को लेकर बैठक करने के बाद आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में देश के सभी तरह के लोग परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का आम जनता को इसका लाभ बताया गया लेकिन ना ही देश से नस्लवाद और ना ही आतंकवाद को समाप्त किया जा सका। काले धन पर रोक की बात सरकार करती थी लेकिन एक भी कालाधन के मामले में उजागर नहीं हुए हैं। जबरन जीएसटी को लागू कर दिया गया लेकिन कांग्रेस सरकार 14% पर इसे लागू करना चाहती थी, पर आज मोदी सरकार ने कुल 28% पर जीएसटी को लागू किया है जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी। मोदी का 3 साल पूरा भारत बेहाल। मोदी जी ने जो चुनाव के संबंध में लंबा लंबा वादा किया, भारत में अच्छे दिन लाएंगे, मेरी सरकार बनेगी तो युवाओं को 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, मेरी सरकार बनेगी तो किसानों को उसके उपज का 2 गुना लाभ देंगे वगैरह वगैरह उन्होंने जो भाषण में दिया वो सभी मोर्चा पर फेल हैं। मोतिहारी जिला के मलाही थाना स्थित सिरनी बाजार पर हार्डवेयर दुकान के सामने अपराधियों द्वारा सब्जी के थैले में रखे गए कुकर बम से क्षेत्र में दहशत फैल गई। दरअसल सिरनी बाजार के ही रहने वाले भानु कुमार छड़ सीमेंट और गिट्टी की दुकान पर जिनसे 1 सप्ताह पहले नेपाली मोबाइल नंबर से फोन करके और मैसेज भेजकर रंगदारी मांगा गया था, इस संबंध में उन्होंने थाने में आवेदन भी किया था। पुलिस अभी इस मामले की जांच ही कर रही थी कि उसके दुकान के सामने अपराधियों ने सब्जी के एक थैले में कुकर बम रख लिया। सोमवार की सुबह जब दुकान खोलने वो तब उन्हें दुकान के सामने एक लावारिस झोला दिखा जिसमें देखने पर उसमें उन्हें सब्जी के साथ कुकर बम दिखाई दिया। हालांकि पुलिस को मामले की जानकारी मिलने पर अरेराज डीएसपी नरुल हक कई थानों के पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को खाली कराया। फिलहाल पुलिस द्वारा बम स्क्वाड को सूचना दिया गया।
हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को लावारिस हालात में पड़े 15 किलो गांजा को बरामद किया गया। आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म पर पड़े गांजे को जब्त कर लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस की भनक लगते ही धंधेबाज गांजा छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए गांजे की कीमत तकरीबन लाखों में बताई जा रही है। जो नया एफओबी बना है उसी के नीचे ये और इसके साथ आदमी भी पकड़ा गया क्या? नहीं, आदमी नहीं पकड़ा है। कितना माल होगा सर? झारखंड सरकार की झारखंड सरकार द्वारा जल संचयन हेतु चेक डैम का निर्माण में अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर विकास की वाहवाही लूटी रही है, लेकिन विकास के नाम पर लूट काम दारा ब्लॉक में देखने को मिल रहा है कि विभागीय अफसर और संवेदक की मिलीभगत से कैसे चेक डैम निर्माण के नाम पर सरकारी राशि की लूट की जा रही है। बाद 2014-15 में लघु सिंचाई गुमला के द्वारा बनाए जा रहे बमरंडी नाला काम दारा में सीरीज चेक डैम निर्माण की जिम्मेवारी गुमला के संवेदक को मिली थी, लेकिन संवेदक द्वारा बहुत ही घटिया कार्य किया गया जिसका परिणाम है कि हल्की बारिश में ही चेक डैम बह गया और विभाग की सारी पोल खुल गई। इसकी जानकारी जब कांग्रेस नेता रोशन बरवा को हुई तब जाकर देखा गया तो डैम का ऊपरी हिस्सा टूट कर गिरा हुआ था और देखने से ऐसा लग रहा था कि निर्माण कार्य में कई अनियमितता बरती गई है जिसके चलते करोड़ों की लागत से बना यह डैम टूट गया। और लोगों से पूछने पर बताया गया कि अभी तक भी मजदूरों की मजदूरी भी नहीं मिल पाई है और संवेदक द्वारा मजदूरों को न्यूनतम दर से कम भुगतान भी किया गया है और करीबन 70 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अभी तक लंबित है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग के कार्यपालक अभियंता को अवगत कराया गया और संवेदक के ऊपर कार्रवाई और बाकी मजदूरों का भुगतान तथा शीघ्र करने की बात भी की गई। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव विभागीय सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। अगर तब भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने पर भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और ये 2015-16 का योजना है और चेक डैम बनाने का मतलब है कि यहाँ पानी का संचयन हो, लोग खेती बाड़ी कर सके, जलस्तर हमारा ऊपर आवे। लेकिन ये सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं ये सरासर ये खोखली विकास की योजना लगती है। ये सरकार द्वारा जो सरकारी राशि का मतलब लूट का खजाना बन गया है चेक डैम का निर्माण। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जल संचयन के लिए जो चेक डैम बनी हुई है बरसात का एक बरसात भी नहीं समा पाया और ये ढह गया है। ये मिट्टी देख रहे हैं आप, ये मिट्टी को हटाना था संवेदक के द्वारा लेकिन वो भी नहीं किया गया है। चेक डैम निर्माण में जगह जगह जो खामियां की गई है, गड़बड़ियां की गई है और विभागीय अफसर द्वारा वो गड़बड़ियों को नज़रअंदाज किया गया है, इसी का खमियाजा है कि आज ये चेक डैम टूटा है। कितना दिन काम कर रहा है? अरे 3 महीना। कितना पैसा हुआ? कितना पैसा हुई करीब 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 ये मिलत रहने? अच्छा, फिर भी तोरे कितना हिसाब किताब रहे? डेली कितना दे कहत रहे? 200 डेली 200। हाँ, तो करीब कितना बकाया होगी तोहर? तो हमारे के एक धार 1000 मिल रहे, उतर बात बनी है। और बाकी मजदूर मन के कितना मजदूर के नहीं मिले? सब मजदूर मन के नहीं मिले। कौन गांव से? हंदड़ा। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।